नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू दी अनफोल्डिंग प्ले। एक और नया दिन और सफ़र चालू हो गया है। अब मैं और बटर निकल चुके हैं जामनेर की तरफ। हम लोग जो है पाहूर से करीब 4 किलोमीटर बाहर रुके थे और जामनेर जो है यहाँ से करीब करीब 16 किलोमीटर है, तो आराम आराम से जाएंगे। बाकी अपडेट वेदर का ये है गाइस कि कल जितनी धूप थी ना दिन में, रात को उतनी ही बारिश हुई है। मतलब पूरी रात ही बारिश हुई है, करीब 11-12 बजे से चालू हुई है। सुबह 4-5 बजे तक सिर्फ पानी बरसा ही बरसा है और घड़ाघड़ बरसा है। और अभी फ़िलहाल मौसम है बादल वाला। और बेल्ट तो थी नहीं, पर बटर मैडम को मैंने ना अपनी वेस्ट वाली बेल्ट से हाथ से ऐसे बांध दिया है, क्योंकि ये जो है मेन हाईवे है, गाँव की रोड नहीं है। तो यहाँ पर ट्रक बस वहीकल सब जा रहे हैं, इसमें बटर के लिए हम लोग खतरा नहीं ले सकते। मैं चली, देखो आइसक्रीम की गली, अगर चॉकलेट मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं चली, देखो आइसक्रीम की गली, ओह आइसक्रीम मिल जाए तो मजा आ जाए। हम लोग जिस रोड पे चल रहे हैं अभी, ये पाचोरा जामनेर रोड के नाम से जानी जाती है लोकली। ये स्टेट हाईवे 751 में आता है। जामनेर तक तो ये रास्ता स्ट्रेट जाएगा, उसके बाद हम लोगों को मुड़ना पड़ेगा जामनेर से। वैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र की इस साइड में काफ़ी मेजर जो खेती है वो अदरक की भी है, और अदरक एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एक अच्छे खासे लो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हाई रेट देती है फार्मर्स को। पर यह है कि हर कोई फार्मर भी इसे नहीं लगा सकता, क्योंकि ऑन टू एवरेज थोड़ी महंगी होती है। हाँ, ये किस चीज़ का खेती है पीछे? कपास, कॉटन। अच्छा, ये कॉटन का है, ठीक है। इधर अदरक वगैरह भी काफी उगाते हैं ना? अदरक भी काफी उगाते हैं, लेकिन कम। अच्छा, मतलब 5-10%। अच्छा, ये कॉटन का हो रहा है? ये 80% ये रहता। अच्छा, यहाँ पे 80% कॉटन। चौली, उड़द, हाँ उड़द, मक्का। हाँ, थैंक यू। और ऐसा भी नहीं है कि सबसे मेजर खेती जो है अदरक की होती है, बट होती है। जो भी लोग करते हैं वो काफ़ी अमाउंट में करते हैं बेसिकली। पर अभी फ़िलहाल हम लोगों को चलते हो गए काफ़ी देर, और समय हो गया चाय वाय पीने का, तो कहीं बैठ के चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे पहले, क्योंकि भूख भी लग रही है। मैं और बटर सुबह से ऑलरेडी करीब 8 किलोमीटर चल चुके हैं। रास्ते पर कोई भी चाय या खाने की दुकान नहीं है। एक गांव पड़ा था पीछे, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पानी की दुकान थी, बाकी जनरल स्टोर का सामान। अब लास्ट किसी पूछा था तो बोले 3 किलोमीटर आगे मिलेगा। मौसम अच्छा है, आज तो चलने में तकलीफ नहीं है, पर यह है कि ह्यूमिडिटी हो रही है तो पसीने बहुत आ रहे हैं, और उसकी वजह से तो धूप से तो ज़्यादा ही अच्छा मौसम है चलने के लिए। अगर कुछ नहीं होगा तो 7 किलोमीटर चल के ही फिर नाश्ता करेंगे, थोड़ी देर और चलेंगे, कुछ नहीं मिला तो यहीं कहीं बैठ जाएंगे। व्यू अच्छा है, मौसम अच्छा है, क्या दिक्कत है, थोड़ी देर यहीं रेस्ट कर लेंगे। गाइस, चाय की और खाने की दुकान नहीं मिली, बट बियर बार ज़रूर है, और वहाँ पे कोने में छुप के देखो, और ओपन भी है वो अपेरेंटली, क्योंकि दारू वाले लोग बहुत पर्टिकुलर हैं। सुबह सुबह 8-9 बजे से चालू हो जाते, और चाय वाले कभी कभार बेचारे को वेट करना पड़ता है मेरी तरह, तो हम लोग को और सीधा चलना पड़ेगा अभी। वैसे यहाँ से 50-100 मीटर में दिखा तो रहा है एक ढाबा गूगल मैप्स पे, अब ये नहीं पता कि वो खुला हुआ है कि बंद है। और करते 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 अब बस 6 किलोमीटर बचे हैं जामनेर के। ये देखो बटर को देखो, वहाँ देखो नैन मटक्के हो रहे हैं, नैन मटक्के। अरे बटर, नैन मटक्के मत करो, सब दिखाई दे रहा मुझे। चलेंगे, छुपो मत, आँख मत छुराओ, चलो चलो। वो देखो उन भाई साहब को बहुत देर से पीछा रहे हो भाई साहब, करीब करीब 2 किलोमीटर हो गए। मैंने कहा अब चला जाएगा, देखो चलता ही जा रहा है, अभी देखते हैं। देखो बटर के फैंस, देखो आप, देखते हैं कहां तक चलता है हमारे साथ। यार पहाड़ों के अलावा खेतों में भी काफ़ी कलर होते हैं, इतना सुंदर लग रहा है ये, अभी इतना सुंदर शेड है क्या बताऊं, कैमरे पे इतनी जस्टिस हो नहीं पा रही है देखने में।
पर सही में बहुत सुंदर लग रहा है। ये एक ढाबा तो पड़ा गया, इस पता नहीं खुला है कि नहीं, जाके चेक करना पड़ेगा साइड में। खाने का समय हो गया है, ढाबा जो खुला हुआ था, और मैंने दिल्ली मंगाई है सेब भाजी और रोटी, खाएंगे फिर चलेंगे। यहाँ जामने सिर्फ 5 किलोमीटर है, तो लगभग 1 घंटा लगेगा। बटर को मैं सोच रहा था पनीर खिलाऊं डायनो का, बट फिर मैंने सोचा आखिरी के 2-4 पीस बचे हैं, इमरजेंसी के लिए बचा लेते हैं। यहाँ पे भैया के पास दही दूध है नहीं, तो बटर को जामने में खिला देंगे और वो खाना बचा लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बहुत कम रह गया, तो खाते हैं फिर चलते हैं। बढ़िया नाश्ता करके दोबारा निकल गए हैं जामनेर की तरफ, जो सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर है, जिसे मैं और बटर जो है हम लगातार चल के पार करेंगे, अब कोई ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि अगर अब कहीं रुकेंगे तो 15-20 मिनट आधा घंटा जो है लेट ही होंगे। इससे अच्छा जो है जामनेर सीधा चल के रुकते हैं, जिससे पहले कि मौसम बदले या तो बारिश आए या धूप आए। आसार तो बारिश के ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कल पूरी रात बारिश हुई है, तो अब देखते हैं आज होगी कि नहीं, ये तो देखो समय के साथ ही पता चलेगा। बाकी वो जो बटर का जो प्रेमी है वो अभी भी आ रहा है, पीछे है बहुत वहाँ पे, पर धीरे 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 आ रहा है भाई। देखो बटर के जो प्रेमी है कहाँ कहाँ तक साथ चलते हैं, धीरे धीरे पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भाई। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम लोगों ने खाना भी खाया उधर, वहीं पर बैठा हो, फिर दोबारा हमारे साथ जो है धीरे धीरे चल रहा है। जामनेर से पहले जो है एक और गांव पड़ा है जिसका नाम है टाकली, टाकली खुर्द है, के एच है टाकली खुर्द है, और टाकली को पार करने के बाद जामनेर है, जामनेर का भी बोर्ड लगा हुआ है सामने, और हमारे जस्ट बराबर में देखो कौन है। अबे क्या है भाई, सुधर जाओ, कुछ कह नहीं रहा हूँ तो मतलब पीछे पीछे आओगे, चलो भागो यहाँ से, चल जाओ यहाँ से, हाँ नहीं तो बहुत देर हो गई है। अब मौसम अच्छा हो ना तो समय का पता नहीं चलता कि कितनी जल्दी जा रहा है, और डिस्टेंस भी अच्छे से क्लियर होता है। लोग इस स्पीड में चल रहे हैं, बटर को देखो क्या स्पीड में चल रही है, कि बस अब 1.5 किलोमीटर रह गया, पता ही नहीं चला कि आज कब जल्दी जल्दी 16 किलोमीटर कवर हो गए। बाकी हमारी बटर मैडम का लवर पीछे छूट गया है थोड़ा, वो बेचारा भी थक गया है, उसको इतनी आदत नहीं है चलने की, उसको लगा कि चलूँगा कहाँ तक ही जाएंगे, उसको क्या पता है तो भारत ही पैदल घूम रहे हैं, थक के बैठ गया अभी पीछे, क्या पता आ जाए वापस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, तो मुझे लग नहीं रहा है, वो बहुत थक गया है बेचारा। हमारी बटर मैडम ऐसा ऐसा वार्म अप हुआ होगी, बटर तो ऐसे बैठी होगी कि हाँ कुछ भी नहीं है, है ना बटर, अभी तो तुम्हारा वार्म अप ही हुआ होगा। और नहीं तो क्या, छोटी मोटी वॉक से मेरा क्या होता है, मैं तो ज्यादा चलती हूँ ना, रोज चलती हूँ, मैं तो फिट हूँ, इसलिए 15-16 किलोमीटर क्या, मैं तो 20-25 किलोमीटर भी चल सकती हूँ। ये देखो भाई भाग के आया, और हालत देखो उसकी, हालत खराब है उस बेचारे की, तो भी आना चाह रहा है, वो क्या करे बेटा, चला जा वापस चला जा। तो गाइस मैं और बटर पहुंच चुके हैं जामनेर, और हम लोगों को रूम मिल गया है, और अच्छी बात यह है महाराष्ट्र में कि हम लोगों को पहले रूम लॉज पे जाते ही मिल जाता है लॉज, और बटर की दिक्कत नहीं होती है, कोई ये नहीं बोलता है कि डॉग अलाउड नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, और अच्छा खासा रूम मिल गया। हम लोगों ने 16 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, और मैंने रूम इसलिए लिया ताकि इम्पोर्टेंट काम कर सके, जैसे कपड़े धोना। ये देख रहे हो लाइन से मैंने जो है यहाँ पे अपने कपड़े सुखा रखे हैं, और वो अंदर इसलिए सुखा रखे हैं क्योंकि बाहर मैं सुखाने गया था और मौसम एकदम से चेंज हो गया। आपको मैं ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी बैल्कनी कनेक्टेड है, ये मौसम देखो कैसा बारिश वाला हो गया है, और अभी जो है 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बजे एकदम से ऐसा भयंकर बारिश वाला ठंडा सा मौसम हो गया कि कपड़े यहाँ सूख नहीं सकते हैं, तो अंदर पंखे में सुखाएं। और बटर मैडम देखो क्या, बटर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देख रही हूँ मैं, कब से यही देख रही हूँ कि बातें ही करे जा रहे हैं, खाना तो खिला ही नहीं रहा है मुझे, तो मैं बात ही नहीं करूँगी तुझसे आज के बाद। अच्छा ठीक है ठीक है, खाना खिलाता हूँ, चलो खाना लेने चलते हैं, गुस्सा मत हो। तू रहने दे, तू हमेशा ऐसे करता है, मेरे को खाना लेट खिलाया तूने आज। अच्छा ठीक है चलो 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 खाना लेने चलते हैं गाइस। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ रूम है हमारा, ये हम लोगों को 500 रुपये में मिला है, वॉशरूम शेयर्ड है बाहर,
पर अच्छा है बालकनी में आओ और ऐसा व्यू पाओ, बढ़िया एकदम। तो बटर और मैं अभी जा रहे हैं खाना लेने। चलो बटर, हम लोग जाएंगे खाना लेने अभी, क्योंकि बस स्टैंड, क्योंकि जो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है यहाँ से वो बस स्टैंड के पास है, तो 500-600 मीटर जाना पड़ेगा। तो पहले वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आके खाना खाएंगे। और मैं जो है रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा पीछे, क्योंकि मैं फ़ोन लगा के छोड़ जा रहा हूँ चार्जिंग पे। तो आपको मिलते हैं हम बस एक सेकेंड में ऐसे। तो गाइस बाहर तो हो गई है बारिश चालू, हम लोग जा ही रहे थे और एकदम से तावर तोड़ बारिश चालू हो गई है। देखो जा ही नहीं सकते हैं अभी खाना लेने। मैंने अच्छा हुआ कि ब्रेकफास्ट कर लिया था, नाश्ता कर लिया था, बटर नहीं गया था, तो बटर को जो है डाइनो का खाना खिला दिया है और हिला भी दिया है मैंने बटर को पहले ही। मैं जितने बटर को हिलाया था उतने में बारिश होने लगी और डाइनो का पनीर मैडम जो है खा रही हैं, क्योंकि बटर ने खाना नहीं खाया सुबह से, तो बटर को खाने देते हैं। मैं अपना आराम से ले आऊँगा बारिश रुकने के बाद। तो गाइस खाने का समय हो चुका है और मैं अपने लिए ले आया हूँ दाल रोटी और चावल। बाकी मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा डिनर हो रहा है अभी, बीच में लंच वंच जो है सब स्किप हो गया, खा लिया मैंने और बटर ने आराम से। और मैंने लंच में भी दाल और चावल खाए थे और मैंने उसके बाद सोचा कि दाल अच्छी बनी थी, तो मैंने दाल चावल और रोटी दोबारा मंगा लिए, हाफ चावल 3 रोटी और दाल। और बटर के लिए जो है हम लोग ले आए हैं, जो मैडम फिलहाल पी रही हैं बराबर में। बाकी हम लोग अगर अपना टोटल करें आज का, तो सुबह नाश्ते के 120 रुपये लगे थे, उसके बाद जब लंच किया लंच के 220 रुपये लगे, फिर हमारा रूम जो है वो 500 रुपये का पड़ा, और अभी जो हम लोग का डिनर है वो पड़ा है 230 रुपये का। टोटल जो बजट है हम लोगों का आज का आया है 1070 रुपये, 1070 रुपीस। किसी दिन 10 रुपये बजट हुआ तो किसी दिन 1070 हो जाता है गाइस, ऐसा है। पर जैसा भी है ठीक है, फिलहाल बढ़िया खाना खाते हैं और आराम करते हैं। कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफर पे, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।